हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अभोर, क्योंकि वहां पर एक मेला लगा हुआ है बाबा पांचों पीरों का, जो कि बहुत पुराना और ऐतिहासिक मेला है अभोर के अंदर। स्टेट और अभोर शहर का बहुत मशहूर मेला है, तो वहां पर आज साल वो मेला लगता है सावन के महीने के अंदर। तो हम भी जाते हैं, मेला देख के आते हैं और दिखाऊंगा आपको, मेले में सब एक्सप्लोर करूंगा आपके लिए। तो बने रहे मेरे साथ ऐसे ही। तो अब हम रेडी शेडी हो चुके हैं, तो बने रहे मेरे साथ ऐसे ही, ग्रुप को देखते रहे हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अभोर जाकर। तो गाइस, नेक्स्ट टाइम बस करना, तो चलते हैं। तो गाइस, ये है, ये रास्ता है सीधा दरगाह को पर जाता है, ये बैक साइड का रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं। तो आगे आगे ऐसे ही बाजार आपको देखने को मिलेगा, दरगाह तक पहुंचने का रास्ता है ये सीधा। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें आगे और देखने को। यहाँ पे मेले के शौकीन होते हैं, जो पैसे लगाते हैं, एक के डबल करते हैं, वो चीज़ है, ये गेम खिला रहे हैं ये। तो आगे और चलते हैं, देखते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा आगे आने के बाद मेले की रौनक ज़्यादा दिखाई दे रही है, और ऐसी ऐसी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं प्रसाद वगैरह और खाने के लिए सामान। और देखते हैं आगे जाकर, थोड़ा सा और चलते हैं। तो आपको मेले के अंदर घर में प्लास्टिक का सामान जो यूज़ करते हैं हम, वो चीज़ मिलेगी। तो चलते हैं आगे। पकौड़े खाने वाले को लिए भांग के पकौड़े मिल सकते हैं जाकर। ये है मेले का पूरा बाजार जो आप देख रहे हो। तो इसके अंदर आपको किचन का सामान भी मिल सकता है इसमें, रसोई के लिए, और फ्लावर वगैरह भी मिल सकते हैं। और इसके अंदर ज्वेलरी जाने की बहुत ज़्यादा मिलती है लेडीज़ के लिए। और इसमें आपको मिलेंगे टैटू बनवाने वाले भी भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और टैटू भी बना रहे हैं ये। तो ऐसे ही ये यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं आप यहाँ पर मेले के अंदर। तो ये मेला देखने योग्य है, बहुत अच्छा लगता है, और पूरा शांतिपुर मेला चलता है ये। तो अच्छा लगा मुझे भी मेले में आकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नज़ारा है मेले का देखने का। तो इस मेले के अंदर आपको टैटू वगैरह और भी आइटम दिखाऊंगा आपको मैं आगे चलकर, क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा हमको मेले में। तो करते हैं एंजॉय मेले को, तो देखो आप भी। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, तो क्या क्या इस मेले के अंदर बिक रहा है सामान बाज़ार के अंदर। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ जो है, तस्वीर वगैरह, फ़ोटो वगैरह मिल सकती है, फ्रेम वगैरह। तो एक यहाँ पर भाई के, इसके देखो कितना हंस कर टैटू बनवा रहा है भाई साहब टैटू बनवा रहा है, हंसी भी आ रही है उसको, दर्द भी हो रहा है। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। और मेले के अंदर आपको बच्चों के लिए लकड़ी की जो खेलने का खिलौने होते हैं बच्चों के, प्लेयर खेलने के लिए। और ये देखो यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी जो दुकानों पर नहीं मिलती, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। और सामान देखने में तो अच्छा लग रहा है, और ये सामान जो होता है थोड़ा हल्की लो क्वालिटी का होता है, तो आप ख़रीद भी सकते हो अगर आपका मन चाहे, आपको अच्छा लगे तो आप ख़रीद भी सकते हो इस सामान को। और इस ऐसा सामान यहाँ पर मिलता है लकड़ी के, जो आजकल थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, वो ये मेले में मिलता है, जो मेले में मिलता है वो बाज़ार में नहीं मिलता सामान, बहुत सा सामान ऐसा होता है। तो बच्चों के लिए लेडीज़ सामान ज़्यादा तकरीबन इसमें मिलता है कॉस्मेटिक का। और इस मेले के अंदर आपको खाने के लिए भी सामान मिल जाएगा, कोई भी फास्ट फूड खाना हो, जैसे दुकानें लगी होती हैं फास्ट फूड की, बर्गर वगैरह, दही बल्ले और गोलगप्पे, कश्मीर टिक्की वगैरह मिल जाती है, और सब कुछ मिल सकता है आपको इस मेले के अंदर खाने पीने के लिए। और इसके बाद बच्चों के लिए खेलने का भी, मनोरंजन के लिए झूले लगाए खेलने उन्हें, तो बहुत अच्छा लग रहा है, झूले भी अच्छे लग रहे हैं, छोटे झूले हैं ये, बड़े ज़्यादा झूले नहीं हैं। और इसमें ये काम बहुत थोड़ा है गलत लगा मुझे, फिर नशा भी पीता है, जो कि भांग बोलते हैं जिसको, पीने वाले तो पीते हैं पर हर कोई नहीं पीता, तो ये भी ज़रूरी होता मेले में, इसके बिना मेला सजता नहीं है। जैसी ये दुकानें लगती हैं मेलों में ही लगती है, आप अपने मेलों में ही तकरीबन इसको देखेंगे। तो उसके बाद दिखाता हूँ झूले, ये है झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, फिर ज़्यादा झूले नहीं है, दो तीन झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, तो सही लग रहा है झूला, छोटा है जन की ज़्यादा बड़े साइज में नहीं है, छोटे झूले लगे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेत है, रेत के ऊपर ये टिकते नहीं ना झूले, बहुत खर्चा होता है। और सब चीज़ आपको इस मेले के अंदर मिल जाएगी, आपको खाने पीने से लेकर कपड़े वगैरह भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और झूले झूल सकते हो आप बच्चों को मनोरंजन कराने के लिए। और ज़्यादातर इसमें लेडीज़
ज़्यादा आती है इस मेले के अंदर, जेंट्स कम आते हैं। जो लेडीज़ आती है, जो बच्चे ज़्यादा आते हैं इस मेले के अंदर, तो जेंट्स 20% आते हैं, लेडीज़ 80% इस मेले के अंदर होती हैं और उनके साथ बच्चे होते हैं। ज़्यादातर ये मेले में पंजाब के लोग, जान के पंजाब के लोग, अब होर के लोग हो गए, जो 30-60 किलोमीटर के एरिया में आते हैं। और उसके बाद इस मेले के अंदर आपको राजस्थान से भी आए लोग मिलेंगे, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो भी इसमें मेले के अंदर मिलेंगे। और जूस वगैरह भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर बच्चों के लिए, तो बहुत सी आइटम है। और कपड़े भी वगैरह भी इसमें सेल लगी होती है, वही कपड़ा थोड़ा सा महंगा मिलता है इसमें, सस्ता का नाम ही होता है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे तक। तो इस मेले के अंदर आपको ये चीज़ बच्चे सर्कस कर रहे हैं, तो इसे आपको मनोरंजन के लिए मिल जाएंगे। और ये भी दो वक्त की रोटी कमाने यहाँ मेले में आते हैं ये लोग, तो अच्छा लगा था मुझे, ये बहुत बढ़िया जनगी लगा है। तो काम रिस्की तो मेले के अंदर ये ज़रूरी होता है, मेले इनको मैंने सजता ही नहीं है। और चलते हैं थोड़े से आगे और देखते हैं, ये यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, पर नॉर्मल है जंगी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस मेले के अंदर, तो अच्छा घूमा जाता है, मेले को इंजॉय किया जाता है। तो थोड़ा सा और देखते हैं आगे जाकर क्या क्या हो। और आगे आने के बाद आपको यहाँ पर प्रसाद की जो दुकानें लगी होती हैं, जो बाबे को प्रसाद और चादर, जो नमक वगैरह, तेल वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा आपको आसानी से। और खिलौने वगैरह भी बहुत मिल जाएंगे आपको बच्चों को दिलाने के लिए, घर के ऊपर निशाने ले जाने के लिए बच्चों के लिए, तो अगर आप अकेले आते हो तो निशाने ले जा सकते हो। लेडीज़ का सामान तो तकरीबन बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर बिकता है, बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको लकड़ी की जो वस्तुएँ होती हैं घर पर यूज़ करने के लिए, वो भी आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद थोड़े मोटे और जो फ्लावर वगैरह छोटे मोटे गाड़ी सजाने के लिए रखने हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और लंगर की व्यवस्था भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो गाइस हमने मेले को घूम लिया, एंजॉय कर लिया, और चलते हैं अब। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी।